चाइना से अगली लड़ाई हिंद महासागर में होगी, लिख के रख लीजिएगा। नहीं होगी लद्दाख में। जब बांग्लादेश तोड़ सकते तो एक और तोड़ सकते हैं। 62 का बदला हिंद महासागर। आपको क्या लग रहा है, विक्रांत में बराती जाएगा लोग ना? सुमात्रा और मलेशिया के बीच में बहुत पतला रास्ता है, इसी पतला रास्ता को क्या कहते हैं, मलक्का। इस पतला रास्ता को मलक्का। किसके लिए सरदर्द है चाइना, और किसके लिए वरदान है भारत। भारत से बैर लेकर मलक्का क्रॉस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो वियतनाम के इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो थाईलैंड की इंडस्ट्रीज हो, चाहे थाईलैंड भी पूरा इंडस्ट्री से भरा है, चाहे वियतनाम का हो, चाहे बुर्नेई का हो, चाहे खुद सिंगापुर का हो, इंडोनेशिया का हो, हांगकांग का, मकाऊ का, चाइना का, ताइवान का, फिलीपींस का, साउथ कोरिया, जापान, ये ससुरा सब सब डेवलप हुआ है सब, इधर ये सब डेवलप देश है सब। आ इनका जहाज भर भर के पानी वाला जहाज दुनिया में सप्लाई होता है। आओ यहाँ धोके इसी में ठकूच देंगे लोग, इसमें थुथुरे कूच देंगे लोग। आओ नहीं समझ में, नाश देंगे लोग मलक्का में आके, ऐठेंगे मलक्का में। चाइना से अगली लड़ाई हिंद महासागर में होगी, लिख के रख लीजिएगा। नहीं होगी लद्दाख में। लड़ाई कहाँ होगी, हिंद महासागर में। आपको क्या लग रहा है, विक्रांत में बराती जाएगा लोग, जो विक्रांत जहाजिया है बारात में जाएगा। नहीं समझे, शंखनाद हो चुका है, अब रण बिछ चुकी है। अगली लड़ाई कहाँ होगी, हिंद महासागर। मुलाकात करेंगे 62 का बदला हिंद महासागर। समझ आ गया? अरे चाइना किस चीज के दम पे चलता है, फैक्ट्रीज के दम पे। फैक्ट्रीज किस दम पे चलती है, जब सामान बिकता है। और सामान किस दम पे चलता है, मलक्का। गया मलक्का, सामान बिकना बंद, फैक्ट्री बंद, चाइना की अपनी कोई कंपनी नहीं, विदेशी भागे हैं सब। आ जाओ यहाँ पर, आएंगे यहाँ हिंद महासागर में। चाइना की नेवी ने दुनिया जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं लड़ी है, चाइनी नेवी जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। उसको यो नहीं पता है पानी वाली जहाज डूबती कैसे है, कहाँ मारा जाता है। हम लोग को पक्का पता है, बॉयलर पर मारेंगे, एगो मिसाइल भी फटेगा, बॉयलर भी फटेगा, नहीं तो बैटरी केज पे मारेंगे। बैटरी केज के ऊपर होता है उस जहाज की मिसाइल है, तो एक मिसाइल मारेंगे उसमें। हम लोग 71 की लड़ाई में अमेरिका का PNS गाजी दिया हुआ था पाकिस्तान को, डुबा है कि नहीं, और भी राजपूत से खराब था, क्या था खराब, विक्रांत धो दिया। चाइना जो है उसके पास विमान वाहक पोत है, वो कह रहा था इसको संभालना कैसे पते नहीं चलता है, एक वो ऐलान बचता है तो सब दौड़ जाता है। अरे भाई उसका डिपार्टमेंट है ना, मेस डिपार्टमेंट कौन देखेगा, ऑपरेशन कौन देखेगा, एविएशन कौन देखेगा, डिफेंस कौन देखेगा, मिसाइल हमला कौन करेगा, रेस्क्यू कौन देखेगा, फायर कौन देखेगा, तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ऐसे थोड़े होता है, आप देखिएगा मैनेजमेंट चौपट हो जाता है, किसी के यहाँ ब्याह पड़ता है, ए पानी लिए हो, पहले से फिक्स है नहीं है कितने लोग पानी के लिए जाएंगे, कोनो दौड़ गया, समझ रहे कि नहीं। ज्यादा ध्यान किधर देता है, जहाँ दूल्हा बैठा रहता है ना, तो जिधर वो बैठी रहती है सब लड़की सब। अगर कोनो बहुत चाव से लेके दौड़ रहा है ना पानी रसगुल्ला, तो समझिए या तो दूल्हा की ओर ले जा रहा है, ना तो लाल पीला हरा की ओर ले जा रहा है, गारंटी। नहीं समझे, अरे ये सब तुम लोग खुदे वैल्यू बढ़ा के रखा रहता है। चलो आगे समझते। तो चाइना की नेवी ने कभी लड़ाई लड़ा है, और उनको लड़ना है मलक्का आके, कहाँ लड़ना है मलक्का। अच्छा चाइना अगर पूरी तरह से नेवी लेके मलक्का में उतरियो जाता है, तो चाइना के सबसे ज्यादा दुश्मन इधर से है, मारेगा ताइवान पहले, भाग यहां से, सोचो तो नहीं, इधर से साउथ कोरिया, इधर से जापान, ये टेंशन फ्री नहीं रह सकता। हम लोग पाकिस्तान है एगो इधर, और तो कोई है नहीं यहाँ पर, हम लोग को थोड़े कुछ करना है, कुछ एक जहाज हथियार बलूचिस्तान वालों को दे देंगे लोग, तुम पहले उससे निपटो जब तक इधर निपट चुका रहेगा। हमें कौन सी करना है, 2 ट्रक मिसाइल दे देंगे लोग किसको। अरे हल्ला नहीं करो, बस तुम समझ गए ना बस। और हम लोग को कुछ करना थोड़ी है, हम लोग के पास प्रैक्टिस है, मुक्ति वाहिनी को एक्सपीरियंस है हम लोग के पास, कैसे कैसे हुआ था यहाँ पर, समझ में। जब बांग्लादेश तोड़ सकते तो एक और तोड़ सकते, क्यों नहीं तोड़ सकते। हाँ अगली लड़ाई चाइना के साथ कहाँ होगी, हाँ हिंद में। इसलिए मलक्का किसके लिए सरदर्द है, हाँ चाइना के लिए। सुमात्रा और ये द्वीप बोलिए जावा, जावा और सुमात्रा के बीच में समुन्द्र का पतला रास्ता, इसे कहते हैं सुंडा। क्या कहेंगे, सुंडा, क्या नाम है। चाइना सोचता है सुंडा से निकल जाएंगे, कहां से निकल जाएंगे, अरे निकलोगे तो आओगे कहां, हिंद महासागर में ही तो आओगे, कहां आओगे, हिंद महासागर।
आप चाहे इधर से आइए चाहे उधर से आइए, आएंगे हिंद महासागर, सुंडा से ये निकल ही नहीं सकता है। सुंडा जल संधि की गहराई बहुत ही कम है, बड़ी जहाजें नहीं निकल सकती हैं। सुंडा जल संधि से बड़ी जहाजें नहीं निकल सकती। बड़ी जहाजें कहां से निकलती हैं? मलक्का। बड़ी जहाजें मलक्का।